दिल्ली में आज दूसरे दिन भी सबोक छाया हुआ है। स्कूल की भले ही छुट्टी कर दी हो पर घरों में बच्चे और बुजुर्ग इस कोहरे और धुएं से परेशान हैं। ये देखिए बारी दिल्ली के अलीपुर के शनि मंदिर पर घना कोहरा है और लोगों का दम घुट रहा है। फिलहाल दिन के 10 बज चुके हैं पर धुएं से रात नहीं है, अभी भी दिन में भी दिल्ली का दम घुट रहा है। उधर PMWA NGO ने NH1 सिंगो बॉर्डर पर बांटे मास्क, करीब 10,000 मास्क बांटे। लोगों ने खूब दिखाई दिलचस्पी, साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों को भी बांटे मास्क। दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला है तो दिल्ली में एंट्री के वक्त हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की तरफ से आने वाले लोगों ने खूब दिलचस्पी दिखाई। PMWA की इस पहल ने लोगों को जागरूक तो किया ही, साथ ही में सभी ने बढ़ चढ़कर दिलचस्पी दिखाई सभी, और इसमें दिल्ली पुलिस ने भी एनजीओ का साथ दिया। सभी ने गाड़ी रोक रोक कर मास्क लिए। PMWA एनजीओ की तरफ से ये बहुत अच्छा व बेहद सराहनीय कदम था। फ्री में 10,000 मास्क बांटे, मकसद बॉर्डर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मास्क देने की प्राथमिकता थी, पर युवा लोग भी गाड़ियां रोक रोक कर मास्क लेने आने लगे। लोगों को ये पहल काफी पसंद आई और लोगों ने पटाखों को न जलाने की बात की। लोगों की माने तो सरकार की सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि दिल्ली में इस बार प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। PMWA NGO ने दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल देकर ये कदम उठाया और जरूरत लगी तो अभियान लगातार जारी रहेगा क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण लोगों की सेहत पर बुरा असर डालता है। दिल्ली से मेरदीन खान की रिपोर्ट। पब्लिक परेशान है, हम तो बुजुर्ग आदमी वैसे परेशान है, तो बच्चों को भी क्या इस चीज की दिक्कतें हो रही है? बच्चों को तो घर से निकलने के लिए मना कर रखा है, बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल? तो बंद पड़े हुए हैं। स्कूलों में छुट्टियां दी हैं बच्चों को, क्या आज छुट्टियां हैं? क्या नाम है आपका? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आज एकदम से धुंध कोहरा पड़ा हुआ है तो उससे क्या क्या परेशानी हुई आपको? हमें स्कूल जाना के लिए जाती है और कुछ दिखाई नहीं देता, इससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो जब आप घर से आए तो? क्या नाम आपका? ललित जी, आज धुंध का पहला दिन है कोहरे का, तो उससे क्या क्या परेशानी हुई आज से सुबह से आपको? भाई साहब सुबह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या क्या परेशानी है अभी बताओगे? 15 किलोमीटर का रोड बना हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ तो आगे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश है। उमेश जी, आज धुंध का कोहरे का पहला दिन है तो आज आपको क्या क्या परेशानी हुई? परेशानी तो काफी हो चुकी है कोहरे में, एक तो बाइक वगैरह की चलाई नहीं जा रही, अच्छी तरीके से ड्राइविंग भी नहीं हो रही है और इसके कोई बार स्पीड भी बहुत स्लो चल रही है। सुबह आप घर से निकले, किस वक्त निकले? अभिषेक जी, आज धुआं है ज्यादा, है पॉल्यूशन ज्यादा, फोग ज्यादा, क्या है आज? फोग है बट साथ में पॉल्यूशन भी है, पॉल्यूशन से जो अस्थमेटिक है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, इससे बूढ़ों को और बच्चों को ज्यादा असर पड़ेगा, तो उनकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। इसी के चलते सरकार ने कॉलेज स्कूल भी बंद किए हैं। लेकिन कल भी था और आज भी है, क्या लगता है 2-4 दिन रहेगा? शायद असर रहेगा और 1-2 दिन तो रहेगा कम से कम, भी ज्यादा ना रहे तो। तो जो धुंध होती थी पहले उसमें सांस लेने में दिक्कत होती थी, आप जो धुंध पड़ रही है, जो ये पड़ रही है, प्रदूषण है क्या है? आज के टाइम में धुंध के साथ में प्रदूषण भी है जो कि हमारे वातावरण को ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही है लोगों को, उससे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अस्थमा की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं आजकल। अच्छा, ये धुंध है तो कहीं ऐसा भी दिखाई दिया कहीं एक्सीडेंट हो रहे हो धुंध के कारण? कुछ कह नहीं सकते, बहुत सी जगह ऐसे है, भगवान ना चाहे किसी का हो, बट बहुत दुर्घटनाएं हो भी जाती है धुंध के चलते। तो सरकार को प्रदूषण पे कुछ रोक लगानी चाहिए? हाँ बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ प्रदूषण का बल्कि ग्लोबल है उस जो गैसें हैं उनका भी बहुत ज़्यादा, वे बहुत मात्रा में बढ़ रही है।